जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट टेस्ट मैच का है आज आखिरी दिन, जहां कानपुर ग्रीन पार्क के इस मैदान पर दोस्तों टीम इंडिया इस फर्स्ट टेस्ट मैच को जीतना जरूर चाहेगी और सिर्फ 9 विकेट से दूर है। ऐसे में टीम इंडिया के गेंदबाज अपनी जी जान लगा देंगे। आप सभी को बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट में पिछले कई सालों से बादशाहत कायम किए हुए थी, लेकिन इस साल जून में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले के बाद से ही टीम इंडिया की नंबर वन की पोजिशन न्यूजीलैंड की टीम ने ले ली थी। लेकिन ऐसे में न्यूजीलैंड को फिर से हरा कर दोस्तों दोनों टेस्ट मैच में टीम इंडिया नंबर वन पर जरूर आना चाहेगी। अब बस आखिरी हमले का इंतजार है, जो कि आज यानी कि 29 नवंबर को ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाएगा कानपुर का टेस्ट। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर आपको लाइव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको जानकारी दे कि क्या आज रिकॉर्ड बनते नजर आएंगे, क्या टूटते नजर आएंगे, कैसे टीम इंडिया जीतती नजर आ सकती है, क्या न्यूजीलैंड यहां पलटवार कर पाएगी या नहीं, सारी जानकारी दे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट पा सकें। कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 284 रनों का लक्ष्य रखा है और सिर्फ इतना ही नहीं, चौथे दिन का अंत भी एक विकेट लेकर किया, यानी टीम इंडिया की मैच पर पकड़ मजबूत है और टीम इंडिया की जीत को पुख्ता करने के लिए इतिहास भी गवाही देता है। अब अगर न्यूजीलैंड को आखिरी दिन कुछ बड़ा कमाल यानी कि चमत्कार उलटफेर करना है, तो उसे इसी इतिहास को बदलना होगा और कुछ ऐसा खास करके दिखाना होगा जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड दोस्तों टीम इस साल बहुत प्रभावित कर रही है अपने बल्लेबाजी गेंदबाजी से, खासकर टेस्ट मैच में जिस तरीके से ऊपरी क्रम पर आई वो हैरान करने वाली बात है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने पिछले एक दशक यानी पिछले 10 सालों से घरेलू जमीन पर सिर्फ 4 टेस्ट मैच गवाए हैं, जो कि उनका घरेलू जमीन पर भारत की ताकत को दिखाता है। लेकिन इंडियन टीम की घरेलू जमीन पर मजबूती का सबसे बड़ा गवाह है उनका रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो एक कानपुर टेस्ट में भी भारत की जीत की गारंटी देता है और यह रिकॉर्ड है सबसे बड़े सफल रन चेस का। भारत में चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करना कभी भी आसान नहीं रहा है, यहां तक कि टीम इंडिया को भी कई बार इसमें मुश्किलों का सामना करते देखा गया है। ऐसे में विदेशी टीमों को इन सब परिस्थितियों को समझने में काफी समय जाया हो सकता है, लेकिन 34 साल पुराना रिकॉर्ड है दोस्तों, उसको तोड़ने की चुनौती है कानपुर टेस्ट। मगर न्यूजीलैंड को इस स्थिति में बदलाव लाना है तो कैन विलियमसन की टीम को कुछ खास करना होगा, उसे 34 साल पुराना इतिहास बदलना होगा। इसमें क्रिकेट इतिहास की कई मजबूत टीमें नाकाम रही, भारत में किसी भी विदेशी टीम ने चौथी पारी में 276 से बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया है। जहां 34 साल पहले 1987 में विव रिचर्ड्स की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम ने दिल्ली टेस्ट में इस बड़े स्कोर को हासिल करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज करी थी। उस मैच की बात करें दोस्तों, तो खुद रिचर्ड्स ने 109 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वेस्टइंडीज की टीम को यादगार ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इसके बाद से आज तक कोई भी विदेशी टीम इससे बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन आप सभी को ये भी जानकारी दे दें, किस तरीके से टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाया दोस्तों, तीसरे चौथे दिन में जब यहां पर वापसी कर पाई, वरना तो वापसी का कोई संकेत ही नजर नहीं आ रहा था। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो भी सबसे बड़ा कह सकते हैं कि टीम इंडिया की जीत का यहां पर एक जरिया बनता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सफल रनचेज सिर्फ 83 रन का है, जो कि 1999 में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हासिल किया था। विदेशी टीमों में इंग्लैंड ने 1952 में 76 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड को इसी इतिहास को बदलना होगा, जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है। ऐसे में कीवी टीम अपने कप्तान विलियमसन की अगुवाई में कुछ खास कमाल कर इतिहास और रिकॉर्ड बदलना चाहेगी। आप सभी को स्कोर कार्ड की तरफ लेकर जाएं कि अभी तक क्या कुछ देखने को मिला। उससे पहले दोस्तों नजर डालते हैं किस तरीके से कानपुर के टेस्ट में आज हरभजन सिंह के एक बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के काफी करीब हैं रविचंद्रन अश्विन। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ही पाकिस्तान पूर्व दिग्गज वसीम अकरम को पीछे छोड़ा था। अब हरभजन सिंह का रिकॉर्ड उनके निशाने पर होगा। आप सभी को बता दें, टेस्ट क्रिकेट में अश्विन के अब तक 417 विकेट हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम के 414 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को पहली ही धाराशायी कर दिया है। अब रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में हरभजन सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों के टेस्ट क्रिकेट में 417 विकेट हो गए हैं। अब अश्विन ने अब रविवार को जैसे ही कीवी ओपनर विल यंग को LBW आउट किया, वो भज्जी पाजी के साथ एक कतार में आ गए हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़ने का मौका आज के दिन होने वाला है। कानपुर टेस्ट के आखिरी दिन जो सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा सोमवार 29 तारीख को, रविचंद्रन अश्विन आसानी से एक विकेट निकालकर ग्रीन पार्क में ही हरभजन सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। रविचंद्रन अश्विन 80 टेस्ट मैचों में 417 विकेट हासिल किए, वहीं हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट हासिल किए थे। अश्विन 30 बार एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं, इसके अलावा 7 बार एक टेस्ट में 10 विकेट लेने का करिश्मा भी किया है।
तो अश्विन के पास दोस्तों बहुत बड़ा मौका है, मतलब आज कह सकते हैं, लेकिन अभी भी उनसे आगे कपिल देव पाजी हैं और अपने भारतीय सबसे बेहतरीन गेंदबाज अनिल कुंबले को कैसे भूल सकते हैं। नंबर वन पर मुथैया मुरलीधरन है जिनके 800 टेस्ट विकेट हैं दोस्तों, श्रीलंका के गेंदबाज। नंबर टू पर शेन वॉन जिनके 708, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। जेम्स एंडरसन 632 के विकेट के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ी। नंबर तीसरे पर हैं अनिल कुंबले ने 619 विकेट चटकाई। नंबर चौथे पर हैं ग्लेन मैकग्रा 563 पर, इस समय रविचंद्रन अश्विन 14वीं पोजीशन है 417 विकेट के साथ। इनसे ऊपर शॉन पोलाक, रिचर्ड हैडले, रंगना हैरत, कपिल देव जैसे खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ डेल स्टेन भी हैं। अब दोस्तों आते हैं फिर से आज के मुकाबले पर कि क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो हमने देखा किस तरीके से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का खेल पूरी तरीके से मोड़ तब लिया जब भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया। पहली पारी में भी दोस्तों श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकले, दूसरी पारी में भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकले। जहां फर्स्ट इनिंग की बात करें तो शुभमन गिल ने 52 रन बनाए थे, रहाणे ने 35, पुजारा ने 26, श्रेयस अय्यर के बल्ले से 105 रनों की पारी और रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक अर्धशतकीय पारी 50 रन की निकली थी। अश्विन ने उस मुकाबले में 38 रन बनाए थे। टिम साउदी ने दोस्तों उस मुकाबले में 5 विकेट चटकाए थे, जैमिनसन ने 3, एजाज पटेल ने 2। वहीं जब न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में कवर करने के लिए आई ये मुकाबला तो 95 रन टॉम लैथम के बल्ले से निकले, 89 रन विल यंग के बल्ले से निकले, लेकिन हमने देखा अक्षर पटेल ने 5 विकेट चटका के मैच पलट दिया। 3 विकेट अश्विन ने चटकाए थी, 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने और 1 विकेट उमेश यादव ने। 296 पर ही न्यूजीलैंड की टीम को तब रोका था जब 151 रन की उनकी ओपनिंग मिल गई थी। उसके बावजूद दोस्तों टीम इंडिया को 49 रन की पहली पारी में लीड मिली। सेकेंड इनिंग में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इनके 5 विकेट 51 रन पर गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से श्रेयस अय्यर और अश्विन ने पारी को संभाला। एक समय पर लग रहा था कि वृद्धिमान शाह अपनी नेक की इंजरी की वजह से, दिक्कत की वजह से, गले की वजह से जो दिक्कत हो रही थी, इनको तीसरे दिन नहीं विकेट कीपरिंग करते नजर आए थे, बल्ला थामकर भी मैदान पर नहीं दिखेंगे। लेकिन जब बल्ला थामकर मैदान पर दिखे चौथे दिन के खेल पर तो सभी की आंखें नम हो गई कि वृद्धिमान शाह यहां भारतीय टीम के बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपनी फिटनेस के बारे में। अगले मुकाबले में इनकी जगह श्रीकर भरत भले ही खेल सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया को इनकी जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था जब अश्विन का विकेट गिरा था तो टीम का स्कोर 103 रन था। 5 विकेट दोस्तों 51 रन पर गिर गए थे। उसके बाद 52 रन की पार्टनरशिप अश्विन और श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकली थी, जिसमें अश्विन ने दोस्तों बेहतरीन पारी खेली थी, ताबड़तोड़ 32 रनों की 62 गेंदों पर 5 चौके की मदद से। श्रेयस अय्यर ने कल के मैच पर यानी चौथे दिन में दोस्तों 125 गेंदों में 65 रन, 8 चौके, 1 छक्के की मदद से मारे थे। तो वृद्धिमान शाह ने दोस्तों शाम में आकर जो दूसरा तीसरा सेशन था उसमें जबरदस्त बल्लेबाजी करी और 126 गेंदों में 61 रन की पारी खेली, 4 चौके, 1 छक्के की मदद से। अक्षर पटेल ने उनका पूरा साथ दिया दोस्तों, अक्षर पटेल के बल्ले से निकले यहां पर 67 गेंदों में 28 रन, 2 चौके, 1 छक्के की मदद से। सेकंड इनिंग के दौरान दोस्तों हमें देखने को मिला सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे वो काइली जैमिनसन और टिम साउदी ही रहे। उन्होंने 3-3 विकेट दोनों ने चटकाई और 1 विकेट एजाज पटेल के खाते में। लेकिन शाम के समय जब लास्ट के 4-5 ओवर बचे थे तो पारी डिक्लेयर कर दी गई टीम इंडिया की तरफ से 234 रन पर ही और 49 रन की पहले से ही लीड थी, तो 284 रन का टारगेट मिला यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को। और चौथे दिन का खेल समाप्त होते होते 4 ओवर कराए गए, जिसमें अश्विन ने आखिरी ओवर में विकेट ले ली दोस्तों विल यंग की LBW के जरिए। अब टॉम लैथम और विलियम सोमरविले खड़े हैं और इनको 280 रन चेस करना है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्या लगता है दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड या इंडिया किसकी जीत नजर आ रही है, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो आज का मुकाबला होगा दिलचस्प। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार पर ठीक 9:30 बजे आपको मुकाबला आज का देखने को मिलेगा। टीम इंडिया की जीत लगभग तय है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।